गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी ये जो आज मैं आपको वाकई सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है बाबा जी से मिलने कई लोग आते हैं, कई नेता कई आम लोग बाबा जी से मिलने आते हैं जी, किसी से मना नहीं करते। सात संगत जी एक लड़का छोटा लड़का बाबा जी से मिलने आता है और बाबा जी का चित्र बनाकर बाबा जी को भेंट करता है। बाबा जी उसका चित्र देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि ये क्या तुम मेरे लिए लाए हो? बाबा जी से वो कहता हाँ बाबा जी ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। देखकर बाबा जी बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी ड्राइंग तो काफ़ी अच्छी है, मेरी शक्ल तो इतनी सुंदर नहीं लेकिन तुमने बड़ी प्यारी बनाई है। वो कहता है बाबा जी आप बहुत प्यारे हो। बाबा जी कहते नहीं बेटा तुम्हारी ड्राइंग बड़ी प्यारी है और मैं तुम्हारी ड्राइंग से काफ़ी खुश हूँ, और क्या क्या बना लेते हो? बाबा जी से वो लड़का कहता है बाबा जी मैं सब कुछ बना लेता हूँ। बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, तुम में बहुत टैलेंट है। वो कहता है ये टैलेंट बाबा जी आपके कारण है, और जब भी मैं कोई चीज़ बनाता हूँ मैं सबसे पहले आपका ज़रूर करता हूँ, जिस कारण मुझे ऐसी ताकत मिलती है कि वह चीज़ जो है बड़ी सुंदर बन जाती है। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं इसमें मैं कुछ नहीं करता, ये कुछ तुम्हारी मेहनत है। बाबा जी से वो लड़का कहता है बाबा जी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे घर वाले आपको बहुत मानते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बातें सुनकर बाबा जी उस छोटे बच्चे को गले लगा लेते हैं। उसके माता पिता भी उसके साथ आए थे और वह बाबा जी को चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं बाबा जी जो हमें दिया है आपने दिया है और आपकी बदौलत ही मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये मेहनत करता है इसीलिए टैलेंटेड है। ओके बाबा जी से कहते हैं बाबा जी हमें आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये लड़का एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। बाबा जी कहते हैं अगर बेटा कोई भी चीज़ अगर मेहनत करो तो वो ज़रूर मिलती है, अगर भजन सिमरन भी सच्चे मन से लगन से करो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो बाबा जी ये बातें सुनकर वह लड़का रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों रो रहा? कहता है बाबा जी मेरा मन करता था आपसे मिलने के लिए, आज आपसे मिलने का मौका मिला है इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। सास संगत जी अगर आपको भी बाबा जी से मिलने का मौका मिला है तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और सभी सास संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।